वालेकुम। आज मेरी दादी का दावत है, हमारे मुझे तैयार कर दिया है। हमें खाली लिफ्टी का ही सब बाकी है तो अम्मा कर देगी। और अभी हमारी लाइट नहीं है, शाम हो गई है। अभी हम सब तैयार होते हैं, बाद में हम सब जाएंगे। वीडियो को जरूर देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। और आपके बाल किसने स्ट्रेट किए? मम्मा ने। उर्वा ने बाल भी स्ट्रेट किए हैं, माशाल्लाह अच्छी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। अभी लिपस्टिक बाकी है ना उर्वा की? हाँ, मेरी लिपस्टिक बाकी, बाकी सब बिल्कुल रेडी है। कपड़े भी पहनने तैयार हो गई है और शूज पहनेगी और फिर फाइनल लुक में आपके सामने आ जाएगी। हाँ, फिर मैं आपको अपना पूरा लुक दिखाऊंगी। ये दोनों तैयार होकर देखे लग गए गेमों में अपने, उनका कोई काम नहीं है। वो पबजी खेल रहा होगा और ये कोई और गेम खेल रहा होगा। इशा की अजानें हो रही हैं बाहर, बस में भी बस रेडी होने जा रहा हूँ, फिर इसके बाद आपसे मुलाकात भी करता हूँ और मम्मी ले जाता हूँ। वाह और वाह, अच्छी लगती है। मम्मा रेडी हो गई? मम्मा हो जाए रेडी तो फिर हम चलें दादी के घर और मैं जा रहा हूँ रेडी होने के लिए। सही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सब खैरियत से ठीक ठाक है? तो भाई ईद खत्म हो चुकी है और ईद का आज चौथा दिन है। तो आज मेरी वालदा के घर, मेरी अम्मी के घर पे दावत है तो हम सब वहाँ जा रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं मेरी अम्मी के घर। उर्वा जा चुकी है, मैं रेडी हो गया हूँ, निरम और अरीज और साइम भी रेडी हो चुके हैं। तो ये लोग भी रेडी है, इरम भी रेडी है। अभी हम चलते हैं मेरी अम्मी के घर क्योंकि मेरी बहनें और आ चुकी हैं और ज़्यादा देर से जाना अच्छी बात नहीं है क्योंकि टाइम तैयार होने में लगता है। ऊपर से बड़ी परेशानी ये कि कराची में लोड शेडिंग शुरू हो जाती है फौरन, जैसे कोई त्यौहार ख़त्म होता है उसी रात से शुरू हो जाती है। तो सुबह से 3-4 बार लाइट जा चुकी है, अभी भी लाइट नहीं है। हमने जनरेटर चलाया लेकिन उस पर इस्त्री वगैरह नहीं हो सकती, इस वजह से थोड़ी परेशानी हो रही थी। तो अभी हम बिल्कुल रेडी है और हम निकलते हैं और आपसे मिलते हैं। मेरी अम्मी के घर पर रही है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। किसी है नया? ईद मुबारक। ये आमना है। कैसी आमना? ईद मुबारक। और ये अलीशा है। ईद मुबारक। कैसी हो? ठीक हो? कैसा है भाई अब्दुल हादी? ईद मुबारक। ईद मिलेगी, सब मिलेगी। दरवाजे पे पहले ईदी ले लेगा, अंदर नहीं आने देगा। चौकीदार बिठाए नानू ने। ईद मुबारक अरम। इसको तो आप देख चुके हैं, अरम है ये अब्दुल हादी है। और ये सब बैठे हुए दरवाजे पर इस्तकबाल के लिए सबका। आ गए अम्मी के घर पे भाई। तो ये मेरे वालिद साहब हैं, इनको तो आप वीडियो में देख चुके हैं। ये मेरे बड़े भनोई साहब हैं, बड़ी सिस्टर के शोर है। वसीम भाई अस्सलाम वालेकुम। वसीम भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ये वसीम भाई है, मेरी बड़ी सिस्टर के शोर है। और ये माज है, इनका बेटा। कैसे हो माज? तो फिर बाकियों से भी आपको मिलवाते हैं, बाकी दो हमारे भाइयों से मिलवाते हैं आपको। तो वीडियो को देखते रहे। ये अब्दुल हादी है, ये अब्दुल हादी है, ये अच्छा बच्चा है, स्कूल जाता है, नाते पढ़ता है, मस्ती भी करता है। ये इसका छोटा भाई है, क्या नाम है इसका? आपका? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मुंह खोलो, आ करो, जुबान दिखाओ, आ करो, आ जुबान दिखाओ। माशाल्लाह। ये शायन भाई, शायन भाई क्या हाल है? कैसे? ठीक ठाक है। शायन भाई हमारी जो है छोटी सिस्टर है, सबसे छोटी सिस्टर, उसके शोहर है। और साथ में वसीम भाई बैठे हुए। वसीम भाई से तो आप मिले। और ये इनका बेटा है रायान।
और दावत में अभी एक मेहमान बाकी है, वो आ जाए तो फिर इंशाल्लाह फिर दस्तरखान लगाते हैं और साथ में डिनर करते हैं। देखते अभी सबको ईद भी बाकी है और दस्तरखान की तैयारी हो रही है, तो कमरे में जो है शायद ईदियाँ बची हुई हैं, एकदम देरी होगी बच्चों को। मेरी सिस्टर है भी आपस में ईदी का लेन देन हो रहा है, शोर शराबा बहुत है। फिर आपसे मिलते हैं बाद में, क्योंकि सब बहने और बच्चे हैं उनके सब उसी कमरे में मौजूद हैं। चलो भाई साइन की धुप्पा दे रही है इनको ईदी। हाथ चूमो हुप्पो का, बाद में देखना। बच्चे हाथ भी सही नहीं चूमते। चलो भाई दूसरी हुप्पो दे रही है, जमा हो रहे हैं फिर से। तो भाई अभी ईदी बांटने का वक्त शुरू हो गया है। ये हमारी बड़ी सिस्टर के लिए ईद मुबारक आपको। थैंक यू। ईद मुबारक। आएंगे तो वजह से पहला दिन ही है मम्मी। खुश रखे, आबाद रखे। जी तो आप ये वीडियो में देख रहे हैं जो बैठे हैं, ये मेरी बड़ी सिस्टर के दामाद हैं एहसन भाई। फर्स्ट टाइम हमारी अम्मी के घर पर दावत में आए हैं, तो इनसे मैं फाद भाई इनको गिफ्ट दे रहे हैं। और ये जो हैं शायान भाई हैं मेरी सबसे छोटी सिस्टर के शोहर, और ये आमिर भाई हैं मेरी उससे बड़ी सिस्टर के शोहर, और ये सबसे बड़ी सिस्टर के शोहर हैं वसीम भाई, ये उनके दामाद। और ये मेरे पापा, और ये हमारा गोलू गोलू मुन्ना। कैसे है मुन्ना भाई? खाने की तैयारी कर रहे हैं। ये हमारे रिजवान भाई ठंडवादन से आए, जो तीसरी सिस्टर के हस्बैंड हैं, और मेरे कजन भी होते हैं और ठंडवादन में रहते हैं, और ईद के लिए आए हमारे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तकरीबन दावत में जो है ये होते नहीं है, वजह ये दूर होते हैं, टाइमिंग का प्रॉब्लम होता है। बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं अभी दावत चली रही थी और लाइट चली गई है, चला बस खाना हो जाए हमारा, तो उसके बाद बल्ले लाइट का मसला। तो ये मेरी सिस्टर है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। और आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने लाए हमारे लिए, अपने कराए टंडो आदम से यहाँ तक आए हमारे लिए, ये हमारे लिए बहुत बड़े एजाज की बात है, मोहब्बत की बात है माशाल्लाह। इंशाल्लाह जाएंगे, थोड़ा मौसम गर्म ज्यादा है, थोड़ा मौसम सही हो जाए, बच्चों की छुट्टियाँ हैं, आम वगैरह नहीं आएंगे इंशाल्लाह। वहाँ के ठंडो आलू का आम भी बहुत अच्छा होता है, सिंधी आम बहुत मशहूर होते हैं। बिरयानी माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बनी, बाहर से बनवाई थी पप्पा ने। मेरा भांजा है फैसल, वसीम भाई का बेटा। कैसे 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 बनी बिरयानी? बिरयानी माशाल्लाह बहुत टेस्टी है। भाई ये कस्टर्ड है, और ये रिजवान भाई ने बनाया है। रिजवान भाई आपने बनाया? बहुत मेहनत लगी, चम्मच हिलाना बहुत मेहनत। असल में सबसे पहले गए बेचारे दूध लेकर आए,
नहीं बार पड़ गया, फिर दोबारा लेने गया भाई। डबल चक्कर लगे, डबल चक्कर लगा। सिया नहीं बैठी है सुबह रात के 3 बजे तक, मैंने मोची के पास ले जाते। हाँ नहीं मैंने तो मावा बना दिया। मसाला खाना हो गया, अभी चलते हैं भाई, पसीने निकल पड़े पूरे। तो बिल्कुल दस्तर हुसैनी टाइम तो लाइट गई है, वो दस्तर खान के टाइम पर लाइट गई है। हमारे सारे भाइयों ने मिल के खाना खाया और पार्टी पूरी हो गई, खाना पीना हो गया। अब चाय की बारी, चाय तो जरूरी है, चाय आ गई है। और शोर शराबा आप सुन रहे, बच्चों का शोर, ये रौनक है थोड़ी देर की, फिर सब चले जाएंगे। लाइट का टाइम हो गया है आने का, लेकिन अभी तक आई नहीं है। ये हमारे जो सौगात है कराची की, बिजली ना होना ये एक सौगात है हमारे लिए। हम इससे जो है मुस्तफीज हो रहे हैं, इसके मज़े ले रहे हैं। लाइट नहीं, आदि हो गए। हाँ हम तो आदि है इस चीज़ में, ये हमारे यहाँ की सौगात है। कराची आओ तो पसीना, गर्मी, बिजली ना हो, गैस ना हो, पानी भी ना हो, पानी भी ना हो। बात भाई कैसे हो भाई? भाई कुछ बोलो भाई, आपकी आवाज सुनने के लिए तरस रहे। अरे तो मैं जमा में हूँ, इसकी मंगनी है क्या? अरे हाँ, इसकी मंगनी तो है। तो भाई माशाल्लाह से दावत निपट गई और सब खैरियत से हो गया। लाइट भी आ गई, लाइट भी आ गई, लाइट आई पूरे रात को 12:45 बजे। खाना वगैरह हो गया, चाय वगैरह हो गई। अब बस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए